तो Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट एंट्री लेवल फोन Redmi 10C. एंट्री लेवल फोन यस बजट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है, लेकिन बिलीव मी स्पेक्स इसके मिड रेंज लेवल फोन के साथ भी इजीली कम्पीट करते हैं. तो Xiaomi ने इस बार हमें ये इंटरेस्टिंग सी पैकेजिंग भिजवाई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10 पटा 10, और इस फोन की जो टैग लाइन भी रखी गई है दैट इज 10 पटा 10, यानी कि वेदर वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बैटरी के एस्पेक्ट से हो, डिस्प्ले के एस्पेक्ट से हो या कैमरा के एस्पेक्ट से हो, इस फोन को 10 पटा 10 मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू Redmi. लेकिन क्या वाकई में फोन वर्थ इट है सारे एस्पेक्ट से, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको Redmi 10C की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक दिखाऊंगा. तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद, और वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा Redmi 10C की और Xiaomi स्मार्ट बैंड 7 की. वेल बिफोर आई अनबॉक्स बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस, लेट मी टेल यू के ये फोन Redmi 10C आपको पाकिस्तानी मार्केट में दो वेरिएंट्स में मिलेगा, 464GB और 4/128GB. 464GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 29,999, यानी कि 30,000 रुपीज के अंदर आपको ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा. अदर देन दैट 128GB वाला वेरिएंट आपको 32,999 यानी कि 33,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा. और इसके साथ Xiaomi बैंड 7 की जो प्राइस रखी गई है दैट इज 8,500 रुपीज, लेकिन अगर आप इसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट में अवेल करेंगे तो 8,000 रुपीज में आपको पड़ेगा. लिंक सारे बाय करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. अदर देन अच्छी स्टोरेज आपको इस फोन के अंदर मिल रही है, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी 5,000 mAh की अलॉन्ग विद फास्ट चार्जिंग 18W की, यानी कि आपको कम बजट के अंदर ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों की प्रायोरिटी होती है कि परफॉर्मेंस तो अच्छी मिले ही, एंड अगेन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फोन के अंदर आपको मिल रहा है कम बजट के अंदर स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जिसके थ्रू आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी इश्यूज आने वाले हैं. और परफॉर्मेंस के लिए तो बेस्ट कॉम्बो बन गया, बैटरी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, अदर देन दैट आपको अच्छा डिस्प्ले और अच्छा बैक रियर कैमरा 50 MP का भी मिल रहा है इस फोन के अंदर. तो ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर एक अच्छा कॉम्बो बनाते हैं एक मिड रेंज लेवल फोन का. लेकिन अगेन इस फोन की जो प्राइस रखी गई है वो एंट्री लेवल फोन की है, और 10 बटा 10 की जो टैग लाइन रखी गई है क्या वो वाकई में वर्थ इट है इस फोन के लिए, लेट्स चेक इट आउट. सो व्यूअर्स ये है वो मेन पैकेज जो कि हमें Redmi की तरफ से भिजवाया गया है, जिसकी मेन पर ही एज यू कैन सी 10 बटा 10 की ब्रांडिंग की गई है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बॉक्स लग रहा है, इंस्पायर्ड बाय ट्रक आर्ट, थोड़ा सा ट्रक थीम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. मेन पर Xiaomi की ब्रांडिंग की गई है 10 बटा 10. मजीद जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके पैकेजिंग के अंदर हमें क्या क्या मिलता है. सो मेन पैकेजिंग को ओपन करते साथ ही हमें बॉक्स के अंदर मजीद दो बॉक्सेस मिल रहे हैं, जिसके अंदर द फर्स्ट वन हियर इज Redmi 10C, जिसकी यहाँ पर मैं मेन अनबॉक्सिंग करूँगा, और इसके साथ ही यहाँ पर Xiaomi का लेटेस्ट हेल्थ बैंड जो कि स्मार्ट बैंड 7 के नाम से लॉन्च हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में वो भी दिया गया है, उसकी भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले Xiaomi स्मार्ट बैंड 7 की. तो ये है Xiaomi के स्मार्ट बैंड 7 की फर्स्ट लुक. मजीद हमें इस बैंड के बॉक्स के अंदर मिलती है डिवाइस की केबल, जिसके थ्रू आप इस बैंड को चार्ज किया करेंगे. जिस केबल के एक साइड पर यहाँ पर USB की पोर्ट है जो कि ऑब्वियसली चार्जिंग अडाप्टर के साथ प्लग इन होती है, और दूसरी साइड पर ये मैग्नेटिक पिन्स हैं जो कि आपके बैंड की बैक साइड पर अटैच होती हैं. और मजीद बैंड के बॉक्स के अंदर आपको इस बैंड का यूजर मैनुअल मिलेगा. पहली दफा जब आपने बैंड को आपने स्टार्ट करना होगा तो यहाँ पर लिखा है व्हेन यूजिंग द बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम कनेक्टेड टू द चार्जिंग केबल टू टर्न इट ऑन, यानी कि आपको सिंपली इसको ऑन करने के लिए ये चार्जिंग पिन्स आप अपने बैंड की बैक साइड पर अटैच करेंगे तो आपका बैंड ऑन हो जाएगा. बैंड की मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका मेन फीचर है क्रिस्प एंड क्लियर फुल एमोलेड डिस्प्ले, मतलब बैंड के अंदर आपको फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा. ऑल डे ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग, मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं. वॉच के मल्टीपल फेसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू. और यहाँ पर फाइनली अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ को मेंशन किया गया. अब ये बैटरी लाइफ एग्जैक्टली कितनी है ये हम इसको अगर डिटेल में टेस्ट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे. मजीद बैंड के फीचर्स के अंदर ये सपोर्ट करता है 100 से ज़्यादा एक्सरसाइज मोड्स. वाटर रेजिस्टेंट है ये बैंड, ऑब्वियसली आपको पता है कि बैंड फिटनेस लवर्स के लिए होता है, तो जिमिंग के लिए स्विमिंग के लिए बैंड आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बैंड वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. और ये बैंड स्लीप ट्रैकिंग भी मॉनिटर करता है, मतलब कितनी देर के लिए आपने प्रॉपर स्लीप ली है या नहीं. एंड फाइनली मैग्नेटिक चार्जिंग जो कि ऑब्वियसली इसकी बैक साइड पर आप चार्जिंग के थ्रू इसको प्लग इन करेंगे. गाइज ये है Redmi 10C का बॉक्स. अब हम इस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे. बिफोर अनबॉक्सिंग में आपको बॉक्स के ऊपर मेन डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ. मेन पर फोन का डिजाइन डिस्प्ले किया गया है, नीचे Redmi 10C की ब्रांडिंग की गई है. नीचे की साइड पर बॉक्स की मजीद डिटेल्स है, जिसके अंदर फोन का वेरियंट डिस्प्ले किया गया, जिसके अंदर ये 4GB और 128GB वाला वेरियंट मेरे पास अभी अवेलेबल है, जिसका कलर है यहाँ पर मेंट ग्रीन. अब यहाँ पर ये कलर कैसा है ये भी हम लोग यहाँ पर अनबॉक्सिंग करके देखते हैं. सो बॉक्स ओपन करते साथ ही द फर्स्ट थिंग यूल गेट इज द फोन इट सेल्फ. और फोन को यहाँ पर मैंने जल्दी से अनरैप कर लिया है. ये है फोन की फर्स्ट लुक.
विच इज़ अगेन बहुत मज़े की लुक है, मतलब एंट्री लेवल के लिहाज से, इतने बजट के लिहाज से इट्स अ वेरी डिसेंट लुक। और कैमरा मॉड्यूल वंस अगेन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एंट्री लेवल होने के बावजूद डिज़ाइन असेंबली ऑलमोस्ट वैसी है जिसका आजकल तकरीबन अपर मिड रेंज फोन्स के कैमरा मॉड्यूल्स की आ रही है। एज यू कैन सी कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा Redmi 10A की भी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उसका कैमरा मॉड्यूल भी तकरीबन ऐसा ही था। इनफैक्ट इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा मजीद बड़ा किया गया है। यहाँ पर भी बैक साइड पर मुझे दो कैमराज दिख रहे हैं जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। बाकी फोन के डिस्प्ले पर यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट मिल रहा है, विच मीन्स कि आपको कम बजट के अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। सेकंड पर यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है आपको मेन कैमरा, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। 6.7 इंचेस का डॉट ड्रॉप डिस्प्ले आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, और सबसे मेन फीचर इस फ़ोन का यहाँ पर फाइनली 5000 mAh की बैटरी आपको इस फ़ोन के अंदर मिली है, जो कि 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। सो मजीद नीचे की साइड पर इस पैकेजिंग के अंदर आपको डिवाइस का सिम इंजेक्ट टूल मिल जाएगा, और इसके अंदर डिवाइस का यूज़र मैनुअल आपको मिलेगा, PTA का डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड, और मजीद नीचे की साइड पर आपको डिवाइस की चार्जिंग केबल मिल रही है। डिवाइस की चार्जिंग केबल यहाँ पर आपको माइक्रो USB नहीं बल्कि टाइप सी मिल रही है, विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट, क्योंकि अमूमन इतने प्राइस के अंदर फोन ज़्यादातर माइक्रो USB स्लॉट ऑफर करते हैं, लेकिन ये एक और अच्छी बात है कि टाइप सी की पोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगी। और फाइनली नीचे वाले सेक्शन ही के अंदर आपको डिवाइस का चार्जिंग अडाप्टर मिलेगा। सो डिवाइस यहाँ पर ऑन हो गई है, डिवाइस को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। जैसे डिवाइस सेटअप हो जाएगी फिर मैं आपको मजीद डिज़ाइन के बारे में ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर डिवाइस के अंदर आपको OS मिल रहा है Xiaomi का MIUI वर्जन 13.0.7 ग्लोबल। स्टोरेज ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, अच्छी स्टोरेज ऑप्शन है, मतलब 128GB की आपको मैसेज स्टोरेज मिली है कम प्राइस के अंदर। अदर देन दैट सबसे अच्छी बात मुझे यहां पर ये लगी है, जो कि मैसिव डिफरेंस मुझे फील हुआ है Xiaomi Redmi 10A के बाद इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको मिल रहा था MediaTek का चिपसेट, लेकिन यहां पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट होने की वजह से सेटअप होते हुए दौरान ही फ़ोन की मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी मैसिव डिफरेंस फील हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन दिस फोन। बाकी मजीद इसके अंदर गेमिंग करके कैसी है एक्जैक्टली परफॉर्मेंस, वो भी हम लोग टेस्ट आउट कर लेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फ़ोन का जो कैमरा मॉड्यूल है, जो डिज़ाइन है, वो वैसा ही है तकरीबन आजकल के जितने लेटेस्ट फोन आ रहे हैं, वैसा ही सिमिलर दिखता है। Redmi की इवन ब्रांडिंग भी, जैसे कि आपको पता होगा पहले बॉटम में की जाती थी, लेकिन यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग भी कैमरा मॉड्यूल ही के अंदर इंक्लूडेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर ही कैमरा मॉड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी आप लोग देख सकते हैं। तीस से 32,000 की रेंज के मुताबिक आई थिंक फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रख रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी फिंगर प्लेस करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर पर, विद इन लेस देन अ सेकंड फोन को फौरन से अनलॉक कर देता है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी मुझे इंप्रेसिव ही लगी है फर्स्ट इंप्रेशन में। ऑल दो प्लास्टिक बैग है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर भी अच्छी लगी है कि ये वो वाली बैग नहीं है जिसके ऊपर बार बार फिंगरप्रिंट के निशान पड़ते हैं, जो शाइनी बैग्स आपको मिलती हैं जो कि बार बार अनॉय करते हैं, आपको साफ करने पड़ते हैं, इस वाली बैग के ऊपर बार बार फिंगरप्रिंट के निशान एज सच नहीं पड़ेंगे। बाकी डिवाइस की राइट साइड पर आपको पावर की और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं, टॉप पर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक मिलती है, जबकि लेफ्ट साइड पर यहां पर आपको सिम स्लॉट्स मिलती हैं। सिम स्लॉट्स में भी एक अच्छी बात यह है कि सिम ट्रे के अंदर आप लोग देख सकते हैं SD कार्ड के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है, और दो नैनो सिम स्लॉट भी अवेलेबल है, यानी कि आप दो नैनो सिम स्लॉट भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मजीद डिवाइस की मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप SD कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बाकी ऑन दी बॉटम आपको डिवाइस के प्राइमरी स्पीकर्स मिलते हैं, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिलती है, और डिवाइस का प्राइमरी माइक मिलता है। बाकी डिवाइस के अगर डिस्प्ले और साइज की बात की जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट एंड परफेक्ट साइज, हैंडलिंग के एतबार से भी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीन साइज भी नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ऑल्दो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन उससे इसके वेट पर और ओवरऑल हैंडलिंग पे मुझे ऐसा ज़्यादा फर्क फील नहीं हो रहा, क्योंकि डिवाइस काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है, इजी टू यूज़ है, इवन वन हैंड यूज़ के लिए भी आई थिंक परफेक्ट है। ऊपर डॉट ड्रॉप नॉच के साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। कैमरा की क्वालिटी कैसी है ये भी हम एक इनिशियल सैंपल लेके देख लेते हैं। अदर देन दैट अगर बेजल्स और नॉच की बात की जाए तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल बेजल लेस डिस्प्ले नहीं कहूँगा, क्योंकि एज यू कैन सी, क्योंकि मेरे लिहाज से यहाँ पर बेजल साइज और नॉच थोड़ा सा कम किया जा सकता था, जिससे आई थिंक डिस्प्ले मजीद बड़ा बड़ा फील होता, लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है, डिस्प्ले का साइज मुझे यहाँ पर फिर भी डिसेंट ही लग रहा है। सो ये डिवाइस के बैक कैमरा के थ्रू मैंने एक इनिशियल सैम्पल लेके देखा है, आप लोग देख सकते हैं 50 megapixel के लिहाज से यहाँ पर आई थिंक रेजोल्यूशन आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से बैक कैमरा तो आई थिंक काफ़ी अच्छी कंपेटिटिव परफॉर्मेंस देने वाला है, लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की फर्स्ट लुक की
बात करूँ तो यहाँ पर इनिशियल सैंपल के अंदर डिटेल्स और शार्पनेस तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है 5 मेगापिक्सल के लिहाज से स्पेशली, लेकिन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे, क्योंकि ब्लैक्स एक्सट्रीमली ब्लैक है और हाईलाइट्स एक्सट्रीमली वाइट है। लेकिन अगेन यहाँ पर इसके कैमरा को हम डिटेल में टेस्ट करेंगे अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर, एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट कि मैं इस फोन का कंप्लीट रिव्यू भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ। बाकी फोन के फ्रंट कैमरा के थ्रू आप 1080p 30fps तक की मैक्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बैक कैमरा से भी आप मैक्स रिकॉर्डिंग फोन की 1080p 30fps ही पे कर सकते हैं। एंड बाय द वे यहाँ पर स्मार्ट बैंड भी फुली अपडेट हो चुका है, आप लोग इसकी फर्स्ट लुक भी देख सकते हैं काफ़ी मज़े का, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जिसकी वजह से बड़े मज़े के कलर्स आ रहे हैं, और बैंड का डिस्प्ले साइज़ यहाँ पर मुझे डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह ईजिली रीडेबल होंगे, और ये इसकी फर्स्ट लुक ये है। इसकी डिफ़ॉल्ट थीम ये है, अलबत्त यहाँ पर अगर आप लोग मजीद थीम्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो Xiaomi की अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप इसके मजीद डायल फेसेस भी सेट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी Xiaomi Redmi 10C की कंप्लीट फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको इस फोन के डिज़ाइन और ओवरऑल फर्स्ट लुक के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरीज तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फोन के बारे में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट लुक के बाद इसके स्पेक्स को देखते हुए इसकी ओवरऑल जो मैंने स्टार्टिंग के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत एनालाइज किया है तो आई थिंक ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है मार्केट में, एंड स्पेशली प्राइस भी इस फोन की काफी अच्छी डिसेंट प्राइस रखी गई है। बट अगेन इस फोन के कैमरा डिटेल में आउटडोर में लो लाइट के अंदर कैसा परफॉर्म करेंगे, एंड स्पेशली गेमिंग इस फोन के अंदर कैसी होगी, क्योंकि अच्छा चिपसेट तो आपको मिल गया लेकिन उसके थ्रू जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी क्या वो वाकई में वर्थ इट होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर। उसके लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही मैं इस फोन की कंप्लीट रिव्यू वीडियो पब्लिश करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस फोन के बारे में, इस फोन की प्राइस के वाकई वर्थ इट है, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फोन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दिस इज आदम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।